हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं कि प्रोलैक्टिन हार्मोन्स क्यों बढ़ता है, क्या कारण है, किस कारण से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ता है। मेल और फीमेल दोनों पर हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, शारीरिक विकास के लिए कुछ हार्मोन्स जरूरी होते हैं। कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो मेल और फीमेल दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। फ्रेंड्स, प्रोलैक्टिन भी इसी तरह का एक हार्मोन्स होता है। फ्रेंड्स, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। जो हमारे ब्रेन के नीचे की साइड में जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, प्रोलैक्टिन वहां से बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हार्मोन ब्लड के अंदर पाया जाता है या ब्लड में रहता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन्स फीमेल में ब्रेस्ट मिल्क को बढ़ाने और ब्रेस्ट के विकास में मदद करता है। ठीक है, वहीं मेल में प्रजनन क्षमता को बेहतर बनाने में मदद करता है। इसके अलावा भी ये हमारी बॉडी में कई जरूरी कार्य करता है। ठीक है, ब्लड में प्रोलैक्टिन हार्मोन का नॉर्मल लेवल होना बहुत जरूरी होता है। इसके घटने या बढ़ने पर कई तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। यानी कि अगर किसी पर्सन का, या मेल है या फीमेल है, अगर उसका प्रोलैक्टिन जो लेवल है वो अप डाउन चल रहा है, तो उसके स्वास्थ्य संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम इस वीडियो के अंदर कि प्रोलैक्टिन जो बढ़ना है उसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं। फ्रेंड्स, प्रोलैक्टिन बढ़ने के सिम्टम। मेल और फीमेल दोनों में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स पाया जाता है। जैसा कि मैंने वीडियो में अभी पीछे बताया था, दोनों में ही प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल अलग अलग मात्रा में रहता है। यानी कि मेल में इसकी वैल्यू अलग रहती है, फीमेल्स के अंदर इसकी वैल्यू अलग रहती है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल घट या बढ़ सकता है। मेल और फीमेल में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ने के अलग अलग लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फीमेल के अंदर इसके कुछ सिम्टम अलग होंगे, मेल के अंदर इसके सिम्टम कुछ अलग होंगे। अगर बात करते हैं हम पहले यहां पर कि फीमेल के अंदर कौन कौन से सिम्टम होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम आता है इसके अंदर अनियमित पीरियड्स। ठीक है, पीरियड न होना, इसे मेडिकल टर्म्स में एमेनोरिया कहा जाता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, बिना प्रेगनेंसी के ब्रेस्ट से मिल्क जैसा लिक्विड निकलना, ब्रेस्ट में कोमलता आना। ठीक है, मोनोपॉज के लक्षण जैसे हार्ट फ्लैशेज और वेजाइना में सूखापन। ठीक है, शारीरिक संबंध बनाने के दौरान पेन महसूस होना, सेक्स के दौरान बेचैनी महसूस होना। तो इस तरह के कुछ सिम्टम जो आते हैं वो फीमेल्स के अंदर आते हैं। वहीं बात करें हम मेल के अंदर, तो मेल के अंदर आएंगे एक तो सेक्स इच्छा में कमी, ठीक है, एरेक्शन में कठिनाई, चेस्ट में कोमलता महसूस होना, चेस्ट टिश्यू का बढ़ना, गंभीर मामलों में निप्पल से जैसे मिल्क जैसा लिक्विड निकलना। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स में कमी। फ्रेंड्स, इसके अलावा सरदर्द और देखने में परेशानी होने, ऐसे जो सिम्टम है वो मेल और फीमेल दोनों में नजर आ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इस तरह के जो सिम्टम होते हैं ये मेल और फीमेल दोनों के अंदर होते हैं। प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ने के कारण। फ्रेंड्स, जो फीमेल्स या तो प्रेगनेंसी टाइम या फिर जो फीडिंग या फीड करा रही हैं, इनके दौरान फीमेल्स में प्रोलैक्टिन हार्मोन का लेवल बहुत अधिक हो सकता है, जो सामान्य। इसके अलावा कुछ और भी कारण हो सकते हैं जिनके चलते मेल या फीमेल दोनों में इस हार्मोन्स का स्तर अधिक हो सकता है। तो वो कौन कौन से स्तर हैं, जो लेवल हैं जिन्हें मैं बता रहा हूँ या कारण है। सबसे पहले शरीर, जो हमारी बॉडी है, बॉडी में पेन। ठीक है, मांसपेशियां यानी जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स में तनाव। ठीक है, हैवी एक्सरसाइज करना, एनोरेक्सिया, शारीरिक संबंध बनाना। ठीक है, ब्रेस्ट में उत्तेजना और सीने या चेस्ट में के आसपास चोट लगना, मिर्गी के दौरे, इन सभी कंडीशन में प्रोलैक्टिन बढ़ना आम होता है और कुछ समय में सामान्य भी हो सकता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसके अलावा भी कई ऐसे कारण हो सकते हैं जो प्रोलैक्टिन हार्मोन को बढ़ने का कारण बन सकते हैं। प्रोलैक्टिनोमा के चलते भी ऐसा हो सकता है। कुछ मेडिसिन जैसे डिप्रेशन, मनोविकृति और हाई ब्लड प्रेशर के उपयोग में की जाने वाली मेडिसिन। ठीक है, कुछ स्वास्थ्य स्थितियां जैसे किडनी की डिजीज। ठीक है, हाइपोथायरॉइडिज्म, लिवर डिजीज, हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड से नियंत्रित करने वाला भाग को प्रभावित करने वाली डिजीज, इन कारणों से प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बढ़ सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।